बिहार में बहुत बड़ा सियासी तूफान आ गया है। जी हाँ, बिहार में विधानसभा में हंगामा हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। सुशील मोदी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है लालू प्रसाद यादव पर, उसके बाद आप देखिए जमकर हंगामा हो रहा है। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, हम अपनी बात कहेंगे। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, आप अपना आसन कीजिए। तो आप देख सकते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आपको दिख रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है और स्पीकर चुनाव के दौरान वहां जमकर हंगामा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल है, कथित ऑडियो, जिसमें वो बीजेपी के एक विधायक को स्पीकर के चुनाव में एब्सेंट होने के लिए कह रहे हैं। ये आरोप लगाया है बीजेपी ने कि ये लालू प्रसाद यादव की आवाज़ है और वो बीजेपी विधायक को कह रहे हैं कि हम तुमको मंत्री बनाएंगे, तुमको आगे बढ़ाएंगे, तुम इस चुनाव से एब्सेंट हो जाओ। हालांकि आरजेडी ने इस ऑडियो को फर्जी बताया है, लेकिन अब इस ऑडियो के आने के बाद सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि मैंने जब इस नंबर पर फोन किया तो सीधे लालू प्रसाद यादव ने वो फोन उठाया, मैंने उनसे ऐसा नहीं करने को कहा। उनका कहना है कि लालू रांची से हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर स्पीकर का चुनाव हो रहा है और वहां जमकर हंगामा हो रहा है। ये 5 दशक बाद पहला मौका है जब बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। 5 दशकों में सर्वसम्मति से वहां पर विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन आज विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव के जरिए चुना जाना है और उससे पहले वहां पर जमकर हंगामा हो रहा है और जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। यह सदन की स्थापित परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता होते हैं, उनको सदन में उपस्थित होने का संवैधानिक अधिकार हमेशा के लिए जिस भी क्षण चाहे वो उनका अधिकार होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। दूसरी बात, हमारे विपक्ष के भी कई वरीय सम्मानित सदस्य हैं, जो लगातार न जाने कितने समय से इस सदन के सदस्य हैं। वो लोग खुद साक्षी रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़िए, माननीय मंत्रीगण भी जो दूसरे सदन के सदस्य होते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।